हम चले मुकद्दस को लेने चलते हैं, आज ही जल्दी से। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ मुकद्दस के घर उसको पिक करने के लिए, क्योंकि इस टाइम वो थोड़ी फ्रेश हो जाती है। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा और उनके स्कूल भी ओपन है, तो इस टाइम वो थोड़ी फ्रेश हो जाती है। 5 o'clock होने वाले हैं, वहां पे जाके मैं उसकी मामा से भी आपको मिलवाऊंगी, मानो से भी मिलवाऊंगी। ठीक है, चले जी, अब उसके घर जाके बाकी की बातें करते हैं। बेटा जल्दी करो ना। अच्छा वालेकुम सलाम, मैं कहने के लिए आई थी कि स्किन केयर के साथ ना अपनी हेयर केयर की भी सारी चीजें ले लेना। सारी रख के ले आओ, मैं बस नीचे ही हूँ, जल्दी आ जाओ। और ये मेरी बहन नासरा है, जिसकी कि मुकद्दस बेटी है, मेरे से छोटी है, और साथ सजाद भाई थे जो कि मुकद्दस के पापा हैं। बस हमने चाय वगैरह पी, फिर घर आ गए, अब बाकी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुकद्दस, जब मैंने अपना चैनल बनाया था ना, तभी मुझे ये था कि मैंने सारी जितनी प्रोडक्ट्स हमें कॉस्मेटिक स्टोर से मिलती है ना, मैंने अपनी फ्रेंड्स को ना उन सब का रिव्यू देना, और मुझे लगता है कि ये सारा जो है ना वो पूरा भी हो रहा है, काफी आता है। आज क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ जिस स्किन केयर जो ब्रांड है वो है नेचुरल बेस्ट ऑर्गेनिक्स का, इनकी प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेकर आई हूँ आपके लिए। मुझे जब 2-3 हफ्ते पहले ये रिसीव हुई थी, तो मैंने सारा पैकेट मुकद्दस को दिया था, मैंने इन्हें यूज करो और मुझे तुमने बताना है कि कौन कौन सी चीज तुम्हें कैसी लगी है, तो हम इस पर एक रिव्यू वीडियो जो है अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोडक्ट्स यूज की वो कौन सी थी? और जी का सबसे पहला स्टेप जो है हर फेशियल के लिए, मेरे फेशियल के लिए स्पेशली या मेरी स्किन केयर के लिए, वो क्लींजिंग मिल्क है। और एक और बात की सारी स्किन केयर सीरीज का नाम ज़ाफ़रानी है, क्योंकि इनमें ज़ाफ़रान ऐड किया गया, बहुत ज्यादा ज़ाफ़रान की क्वांटिटी ऐड की गई है। जितनी है प्रोडक्ट्स मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। ये मेरी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अक्सर रात को मेकअप की वीडियो शूट कर रहे होते हैं, उसके बाद जब मैं जाके अपना फेस वॉश करती हूँ, मेकअप को या फाउंडेशन को प्रॉपरली स्किन से उतारने के लिए या निकालने के लिए, स्पेशली मेरी ड्राई स्किन के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और मैं बस इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके स्किन पे मसाज करती हूँ, मेरा सारा मेकअप या सारी फाउंडेशन जो है वो उसी वक्त प्रोडक्ट ब्रेक होना शुरू हो जाता है जी। और सेकेंड स्टेप है ज़ाफ़रानी का ही मल्टी एक्शन क्रीम, जो कि मैं एज अ क्लींजर यूज करती हूँ, आप लोग भी एज अ क्लींजर यूज कर सकते हैं। इसको थोड़े से पानी के साथ आप फेस पे लगाएंगे तो एक बहुत फाइन सा लोशन बन जाता है, जो कि आपकी स्किन से सारी इम्प्योरिटीज, डर्ट और मेकअप को जो है वो स्वीप आउट कर देता है। उससे नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही ऑब्वियस एक स्क्रब, जो कि इंतहाई ज्यादा जरूरी है अगर आपकी स्किन पे जो है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं, डेड स्किन बहुत ज्यादा है और वो रिमूव नहीं हो रही, और उसी की वजह से अगर पिगमेंटेशन आ रही है, या उसके बाद अगर आपकी ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है और उसके पैचेस है, तो फिर तो स्क्रब आपने मस्ट करना है। वैसे भी आप सॉरी ऑयली और जिनकी ज्यादा वो इरिटेटेड स्किन होती है ना, इरिटेशन वो सेंसिटिव स्किन, वो थोड़े से कम स्क्रब करें, और बाकी तो सबको जरूर करना चाहिए रोज एक बार, इससे ज्यादा नहीं, अगर आपने अपनी स्किन से खून नहीं निकाला। इससे अगला स्टेप है ज़ाफ़रानी की मसाज क्रीम, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी और मसाजिंग के लिए इतनी परफेक्ट है ना कि आप देर तक इसे मसाज कर। अच्छा एक मैं चीज आपको बता दूं कि इनकी प्रोडक्ट्स की जितनी पैकिंग है वो नीचे से ग्लास जार है, और लिड जो है उसकी प्लास्टिक सिल्वर कलर की, बहुत खूबसूरत लगती है। क्रीम बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छे से आप इसे मसाज कर सकते हैं, और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज करती है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होना बहुत जरूरी है स्किन के, नहीं तो आप कोई भी क्रीम लगाएं, कुछ भी लगाएं, कभी भी आपकी स्किन जो है वो अच्छे से उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं करती। तो अपनी स्किन के ऊपर मसाज जरूर किया करें, फेस मसाज वीडियोस लगा लिया करें यूट्यूब पर, सारा तरीका जो है वो बताया गया होता है फेस मसाज का। और नेक्स्ट है मास्क, और मास्क में इनके पेज पे काफी ज्यादा वैरायटी है। मेरे पास ये 2 मास्क हैं, जो कि है एक पिगमेंटेशन मास्क और एक व्हाइटनिंग मास्क, क्योंकि रमजान में बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाने के बाद मुझे पिगमेंटेशन और एक्ने होना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने पिगमेंटेशन मास्क भी यूज किया, और ऑब्वियसली मैंने व्हाइटनिंग मास्क भी यूज किया, क्योंकि सन टैन रिमूवल चाहिए था मुझे। और इन प्रोडक्ट्स दोनों की बाकी डिटेल आपको खाला बताएंगे। जी हाँ, मास्क की काफ़ी वैरायटी है इनके पेज के ऊपर, और आपको पता है कि समर में जब आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, तो मास्क ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। 3 मास्क इन्होंने सेंड किए थे, ये फेशियल मास्क है, और सारी प्रोडक्ट्स में ना पता है ज़ाफ़रान बहुत ज़्यादा ऐड किया गया है। अभी स्किन के ऊपर मुकद्दस पिगमेंटेशन मास्क लगा रही है, 10 मिनट्स तक आपने इसे अप्लाई करके रखना होता है, और ये आपकी स्किन पर इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी ख़त्म करता है, पोर्स को भी श्रिंक करता है, और जितने दाग धब्बे हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए
जाएगा। मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ बट आप इसे वॉश कर लीजिएगा। और उसके बाद आ जाता है ज़ाफ़रानी का फेस सीरम, जिसमें ज़ाफ़रान की बहुत ज्यादा क्वांटिटीज ऐड की गई हैं, ज़ाफ़रान और एलोवेरा की, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सूद आउट कर देता है। चूंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि ज़ाफ़रान और एलोवेरा, तो ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा सेफ है। मेरी स्किन पर बहुत अच्छा काम किया है इसने और मैं इसके रिजल्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो कि है नेचुरल बेस्ट ऑर्गेनिक्स का केराटिन कोकोनट हेयर कंडीशनर, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए कम से कम, क्योंकि आप सबको पता है मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं और इनकी केयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और नीचे स्पेशली स्प्लिटेंट से बचाने के लिए मुझे इसका रेगुलर यूज करना पड़ता है और मेरे लिए एक मिरेकल था बिल्कुल। हाँ, और मुकद्दस के कंडीशनर यूज भी थोड़े ज्यादा होते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक यूज करती है, बाकी जो बाजार के मिलने वाले हैं थोड़े कम यूज करती है। और लास्ट वाला जो चीज है ना वो मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं वो दोबारा ऑर्डर करने लगी, वो खत्म भी हो गई है। वो इनका ये हेयर सीरम है जो कि मेरे लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल था। मेरे बाल अगर मैं एक दफा धो लूं उसके बाद उनमें से टैंगल्स निकलते ही नहीं है, चाहे आप कंडीशनर यूज करें, इससे हेल्प थोड़ी सी। लंबे बालों का ये होता है तो उनमें टैंगल्स निकालना, मतलब उनको सुलझाना या उनकी काम करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए मेरे लिए तो लिटरली एक मिरेकल था और मैं ये ऑर्डर करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे बाल एक बार ही इसके दो पंप से, उसके बाद मैं सब अपने बाल ब्रश करती हूँ, एक ही बार में मेरे बाल सुधर। अच्छा, इससे ना मैंने सीरम से देखा कि बिल्कुल एक जो केराटिन वाले आपके स्ट्रेट सी लुक आनी शुरू हो जाती है, दूसरा इसमें क्योंकि कोकोनट भी है और बालों को स्मूथ और शाइनी भी करता है। आई होप कि आपको सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स जो हैं वो मिल गई होंगी। प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छी लगे अपने लिए, आप बाकी की इन्फॉर्मेशन आप बल्कि उनके पेज से व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह शायद किसी मेकअप की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।